जिंदगी का एक दिन और कम हो गया। क्या ये शहर कभी मुझे मेरी शनाख्त नहीं देगा? या अपने बाबा की तरह मैं भी गुमनाम ही मरूंगा? नहीं, मैं कभी गुमनाम इस दुनिया से नहीं जाऊंगा। इस शहर को मेरी शनाख्त देना ही होगी। मैं अपनी शनाख्त पाकर रहूंगा। वालेकुम सलाम बेटा, आज जल्दी आ गए। कोई नया ड्रामा मिला? अरे अम्मा, ड्रामे तो बहुत मिलते हैं, बस नाम ही नहीं मिल रहा। अरे बेटा, मायूस क्यों होते हो? वो भी मिलेगा, अल्लाह ने चाहा तो जरूर मिलेगा। हैरत तो मुझे उन लोगों पर होती है जो लिखवाते तो तुमसे हैं और नाम अपना दे देते हैं। है, कमखत मारों को शर्म भी नहीं आती। मैं इत्तेफाक की बात है, आज जो ड्रामा मिला है ना, उसका नाम भी है शर्म। अरे मियाँ, मेरी मानो तो घर बसा लो, औरत के नसीब से मुकद्दर खुल जाते हैं। हाँ अच्छा, ये बताओ तुम पहले खाना खाओगे या चाय पियोगे? हमें चाय ले आओ, भूख नहीं लग रही मुझे। अच्छा ठीक है, मैं चाय लाती हूँ। कुछ पैसे हैं, ये रख लो। अल्लाह तुम्हें खुश रखे, तुम्हारे रिस्क में बरकत दे परवरदिगार। तुमने तो मेरी बड़ी मुश्किल हल कर दी ये पैसे दे के। अरे कल बिजली के बिल की आखिरी तारीख है, बस कल ही बिल भर दूंगी। चाय लाती है तुम्हारे लिए। ये मुझे क्या हो रहा है? क्यों इस तरह कोई पहली नजर में, क्यों इसका अक्स बार बार मुझे बेचैन कर रहा है? कौन थी, कहां रहती है, मैं तो ये भी नहीं जानता। अरे मेरी मानो तो घर बसा लो, औरत के नसीब से। क्या वाकई कोई औरत किसी के सोए हुए नसीब को जगा सकती है? तो क्या मेरे नसीब में वो लड़की? हामिद साहब तो नहीं है? समीर, तुमसे मेरी मुलाकात सोफिया इमाम के घर हुई थी। जी। यहाँ कैसे आना हुआ? सर, वो कुछ वन लाइनर सबमिट कराए थे तो उनका स्टेटस मालूम करने आया था। अच्छा गुड, ये मेरा कार्ड है। कुछ आउटस्टैंडिंग सा स्क्रिप्ट लिखकर मेरे पास आओ। ठीक है सर। ठीक है, ओके सर, ओके, थैंक यू। मालूम तो करो वो कब आएंगे। जी अम्मी। ले बेटा, तू ये चढ़ा दे, इतने मैं नमाज पढ़ लूँ। अम्मी वजू गर्म पानी से कीजिएगा, मैंने रख दिया है। चल ठीक। मेरे बच्ची के नसीब अच्छे करना पापा, जिस घर जाए राज करे।
السلام علیکم چاچا. وعلیکم السلام. بڑے صحیح وقت پر آئے ہو میاں, یہ تمہارا ہی حساب دیکھ رہا تھا, پورے 3000 ہو گئے. شام کو دے دوں گا. کیوں شام کو؟ کیا تمہیں مہیش بھٹ کی فلم ملنے والی ہے؟ میاں کوئی ڈھنگ کا کام کرو, یہ رائٹر وائٹر اور شاعروں کو بھوکے ہی مرتے دیکھا ہے میں نے. خیر یہ بتاؤ کیا چاہیے؟ چاچا ایک چائے کی پتی کا پیکٹ دینا. تم نے بتایا نہیں تمہیں کیا چاہیے؟ کچھ نہیں. یہ سب لکھنے والے ایک ہی جیسے ہوتے ہیں, غائب دماغ. کیا بات ہے بیٹا, آج تم کچھ پریشان نظر آ رہے ہو, آج گھر سے باہر بھی نہیں گئے؟ نہیں اماں, پریشانی تو کوئی نہیں ہے, بس شام کو ایک میٹنگ ہے, ذرا دعا کر لینا. ارے بیٹا وہ تو میں ہر وقت کرتی رہتی ہوں, اللہ تمہیں دولت دے, عزت دے, چاند سی دلہن دے, اور جو کچھ بھی تم چاہتے ہو وہ سب کچھ دے, تمہارے سارے ارمان پورے ہوں اللہ کرے. اماں آپ نے کہا تھا نا کہ عورت کے نصیب سے سوئے ہوئے مقدر بھی جاگ جاتے ہیں. ہاں کہا تھا. اماں میں شادی کرنا چاہتا ہوں. ارے یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے, کوئی لڑکی ہے نظر میں مجھے بتا دے. اماں اس کا نام تو نہیں جانتا میں, وہ ساتھ والی گلی نہیں ہے, اس میں ایک تو تیسرے نمبر کا گھر ہے. ساتھ والی گلی میں تیسرا گھر, وہ الٹے ہاتھ والا؟ جی 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 وہی وہی. ارے وہ تو زینت کا گھر ہے, تم نے ضرور اس کی بیٹی آسیہ کو دیکھا ہوگا, بڑی ہی با حیا اور پیاری لڑکی ہے وہ. ارے باپ کا سایہ تو سر پہ رہا نہیں, ماں اور بیٹی بس یہی دونوں رہتی ہیں گھر میں, دونوں میری بڑی عزت کرتی ہیں. ہاں اور میری بات بھی مانتی ہیں, میں اس سے جا کے بات کروں گی, وہ میری بات کو ٹالے گی تھوڑی, تو بالکل فکر مت کر. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. گڈ, ویری گڈ, بہت اچھا لکھا ہے تم نے. اگر یہ کلک ہو گیا نا تو سمجھو تمہاری زندگی بن جائے گی. شکریہ سر, میں نے بڑے دل سے لکھا ہے. سمیر تمہارا نام ابھی نیا ہے
और मैं अपने 8-10 लाख रुपए लगा के यूँ समझो एक रिस्क ले रहा हूँ। मैं तुम्हें इसके 8,000 दे सकता हूँ। 8,000? सर लेकिन आप लोग सूफिया इमाम को तो देखो उसका नाम बहुत नोन है, तुम उसे लिख के देते हो ये बात तुम जानते हो या अब मैं, तुम्हें तो इस बात की खुशी होनी चाहिए कि तुम्हारा प्ले पहली मर्तबा तुम्हारे अपने नाम से ऑन एयर जाएगा। हो सकता है तुम आगे चलकर उससे बड़े राइटर हो और उससे ज़्यादा पेमेंट लेने लगो। ठीक है सर, मुझे मंजूर है। गुड, पेमेंट मैं तुम्हें कैश करूँगा, ये लो। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, मैं जाना चाहूँगा। है ना आसिया के लायक? वाकई लड़का तो बहुत अच्छा है, अल्लाह नसीब से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। ये चाय तो पियो। हाँ पी रही हूँ, अब तो मिठाई भी खाऊंगी। अम्मा अभी तक क्यों नहीं आई? क्या आसिया की वालदा ने इनकार? तो अगर ऐसा हुआ तो एक तो मैं हमेशा न जाने क्यों उल्टा ही सोचता हूँ। क्या कमी है मुझ में वो मान जाएगी? ऐसे लग रहा है जैसे चांद आसमान से उतर कर सीधा इस कमरे में आ गया। I'm sorry, इस वक्त किसको मेरी याद आ गई? एक्सक्यूज मी, हेलो जी जी, मैं समीर बोल रहा हूँ। अरे वाह समीर, तुम्हारे ड्रामे ने तो धूम मचा दी। जब से खत्म हुआ है मेरे पास फोन पे फोन आ रहे हैं। तुम एक काम करो, कल सुबह होते ही मेरे ऑफिस आओ और नए सीरियल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करो और एडवांस भी लेके जाओ। थैंक यू फारिक नदीम साहब, थैंक यू वेरी मच। इट्स ओके। मुझे
मेरी मंजिल मिल गई, मेरी शनाख्त मिल गई मुझे, और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। समीर, जिस तरह तुम इस चैनल के स्क्रिप्ट एडिटर की सीट तक पहुंचे हो, आई अप्रिशिएट इट। नहीं सर। नो, यू डिजर्व इट। तुम्हारा इतनी बुलंदी पर पहुंचने के बाद मुझे यूं सर कहना ग्रेटनेस है तुम्हारी। एनी हाउ, ये हानियां हैं, कुछ सोलो प्ले और टेलीफिल्म्स कर चुकी हैं, और मेरी नई सीरियल जो तुम लिख रहे हो उसकी मेन हीरोइन। देखने में तो आप भी हीरो लगते हैं, व्हाई डोंट यू एक्ट? मैं तो खुद कई मर्तबा कह चुका हूँ, लेकिन ये मानते ही नहीं। एक्टिंग मेरे ख्याल से उन्हें ही करनी चाहिए जिनका ये काम है। मुझे तो आप राइटर ही रहने दें तो अच्छा है। क्या ख्याल है, कहानी डिस्कस की जाए? Oh, Anya. Hi, how are you? Fine. इफ्तिखार, तुम्हें मालूम है कि I know. सब कुछ अखबार में पढ़ चुका हूँ। क्या कर रही हो तुम? हानिया, तुम मेरी दरियाफ्त हो और अब तुम वो फारिग नदीम जैसे फारिग प्रोड्यूसर के साथ काम कर रही हो? No, never. मैं तुम्हें ऐसा हरगिज नहीं करने दूंगा। लेकिन इसमें हर्ज ही क्या है? But why? हर्ज है, क्योंकि मैं नहीं चाहता। देखो आनिया, बात को समझो। मैं नेक्स्ट वीक एक टेलीफिल्म बनाने जा रहा हूँ जिसकी हीरोइन तुम हो, लेकिन बात सीधी सी है, उस टेलीफिल्म के लिए तुम्हें फारिग नदीम का प्रोजेक्ट छोड़ना पड़ेगा। लुक इफ्तिखार, आई एडमिट दैट यू इंट्रोड्यूस मी, बट दैट डज नॉट मीन आई एम योर प्रॉपर्टी। और वैसे भी फारिग नदीम सीरियल बना रहे हैं, टेलीफिल्म नहीं। देखो आनिया, तो मेरी बात को समझो। I think I'll call you later. हानिया, हानिया मेरी बात, हानिया।
ہلو سمیر صاحب، میں افتخار بیگ بات کر رہا ہوں، اس دن آپ سے ملاقات ہوئی. جی جی پہچان گیا. سمیر صاحب، میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. جی جی. میں چاہتا ہوں کہ میری اگلی سیریل کا اسکرپٹ آپ لکھیں. اور جانتے ہیں، میں یہ پوری سیریل امریکہ میں بنانا چاہتا ہوں. بہت شکریہ جی. سمیر صاحب پہلے میری پوری بات تو سن لیں. دیکھیں، میں اس سیریل کا آپ کو جو بھی معاوضہ دوں گا وہ مالک ندیم سے ڈبل ہوگا، لیکن اس کے لیے آپ کو ایک چھوٹا سا کام کرنا ہوگا. وہ یہ کہ آپ کو فارغ ندیم کا اسکرپٹ. I'm sorry افتخار صاحب، میں پیسوں پر اپنے تعلقات. اور ویسے بھی میرے پاس اگلے 6 مہینے تک کوئی ٹائم نہیں ہے. I'm very sorry. Thank you for calling. لگتا ہے میں صحیح وقت پر آئی ہوں. کہیں جا رہے تھے تم کیا؟ ہاں نہیں نہیں بیٹھو نا. نہیں نہیں یہاں نہیں بیٹھوں گی، کہیں باہر چلتے ہیں. ٹھیک ہے چلو. تمہیں تو ایک دم اتنی جلدی پڑ گئی ہے جیسے کہ تمہاری بیوی گھر پہ انتظار کر رہی ہو. ہاں تو ایسا ہی ہے، میری بیوی میرا انتظار کر رہی ہوگی. تمہاری شادی ہوئی ہوئی ہے، تم نے کبھی بتایا نہیں. بس کبھی ہماری اس موضوع پہ بات ہی نہیں ہوئی. جی ڈاکٹر. کیا رپورٹس آ گئیں؟ لگتا ہے آپ ہمیں سرپرائز دینا چاہتی ہیں. اوکے ہم آ رہے ہیں. سمیر کو بتاتی ہوں. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، میں رات بھر سو نہیں سکا ہوں. جانتی ہو لوگ تمہارے بارے میں کیا کیا باتیں بنا رہے ہیں؟ سارے اخبارات، تمام میگزینز تمہارے اور سمیر کے اسکینڈل سے بھرے پڑے. تو تمہیں لے کر آنا چاہیے تھا نا وہ تمام اخبارات اور میگزین. ہانیہ کیا لوگ، میں نے تمہیں کبھی ایک اچھے دوست سے زیادہ کچھ نہیں سمجھا. اینڈ آئی ووڈ ریئلی اپریشیٹ اف یو ڈونٹ انٹرفیئر ان مائی بزنس. میں نسرین کو بولتی ہوں تمہیں چائے دے، پی کر جانا. Hi. سمیر کہاں تھے آپ؟ میں کب سے فون ٹرائی کر رہی ہوں لیکن آف تھا. سیل آف تھا؟ ہاں یہ تو آف ہے، شاید غلطی سے ہاتھ لگ گیا ہوگا. اینی ویز تم اتنی پریشان کیوں؟ سمیر میں ڈاکٹر کے پاس گئی تھی، رپورٹس آ گئی ہیں. رپورٹس آ گئی ہیں؟ تم اتنی اچھی خبر اتنا پریشان ہو کر کیوں بتا رہی ہو؟ کیا کیا بولا ڈاکٹر، بتاؤ نا کیا بولا پلیز. اچھا چلو.
एग्जीक्यूटिव। मैंने आपको इसलिए फ़ोन किया था मिस्टर समीर, और जब आपसे कांटेक्ट नहीं हो सका तो मुझे मजबूरन आपकी मिसेस को बताना पड़ा। मुझे नहायत ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है मिस्टर समीर कि आपकी मिसेस अब कभी माँ नहीं बन सकती। से मायूस नहीं होना चाहिए, वो कब नामुमकिन को मुमकिन बना दे हम नहीं जानते, हमें उस पर उम्मीद रखनी चाहिए। ये लो तुम्हारी कॉफी। क्या बात है समीर, आर यू ओके? हाँ हाँ फाइन, ठीक हूँ। झूठ बोलते हुए बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। क्या बात है, चलो बताओ। खुद ही देख लो। Sorry to know this, समीर। यही नहीं हानिया, मैं आसिया की डॉक्टर से भी मिलकर आ रहा हूं। उसने कहा है कि आसिया कभी मां नहीं बन सकती। खुद ही बताओ, मैं इस बात से डिस्टर्ब नहीं होगा तो क्या होगा? देखो, अगर तुम इतना अपसेट हो गए तो तुम्हारे काम का भी हर्ज होगा। प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। अच्छा अच्छा अच्छा, रिलैक्स करो, तुम बैठो तुम बैठो, हम कहीं बाहर चलते हैं, तुम बैठो, मैं अभी चेंज करके। मैं जानती हूं आप क्या सोच रहे हैं, समीर आपको औलाद चाहिए ना? आपने मुझे क्या नहीं दिया? घर दिया, इज्जत दी, और मैं आपको कुछ भी नहीं दे सकी, औलाद तक नहीं थी। समीर, मुझसे आपकी यह हालत नहीं देखी जाती। इतनी खुदगर्ज नहीं हूं मैं। आप
आप दूसरी शादी कर लीजिए। क्या कह रही हो तुम? समीर आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है। साहब क्या बकवास है? इस घटिया हरकत का मतलब क्या है? क्या कर रहे हैं समीर साहब? देखिए इतनी खूबसूरत खबर पर बजाय खुश होने के आप नाराज हो रहे हैं। और देखिए अगर आपने नाराज होना है तो मेरे दफ्तर के बजाय उस अखबार वालों के दफ्तर पे जाके नाराज हो। बस इनफ इज इनफ, अपनी बकवास बंद कर दो वरना मुझे तुम्हारी सतह पर आकर बात करनी पड़ेगी। ना 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 समीर साहब ना, देखिए आप हमारे मुल्क के इतने बड़े राइटर हैं, काफी इज्जत है आपकी माशरे में, आपको ये जबान बिल्कुल सेफ नहीं देती। आप चाहिए आराम से जाकर अपना स्क्रिप्ट लिखिए और जाकर अपना इश्क फरमाइए। चाहिए एक मिनट, क्या आप पियेंगे चाय कॉफी? ठीक है, तुम्हें जो लिखना है लिखो, जो करना है करो, मगर याद रखो अब जो तुम चाहते हो ना मैं भी वो करके दिखाऊंगा, हर सूरत में करके दिखाऊंगा, देखते रहो। वेल यानी कहानी में एक और ट्विस्ट। समीर अब ये बात कोई छुपाने वाली तो रही नहीं है, जिस तरह हम खुलम खुला बाहर घूमते हैं प्रेस वाले तो इस बात को जरूर उछालेंगे। मैं आफ्टर ऑल मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ और मैं जानती हूँ कि तुम भी मेरी इस बात को झुठला नहीं सकोगे। पता नहीं मुझे ये बात कहनी चाहिए कि नहीं। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हानिया लोगों की जबान बंद करने का मेरे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। और तुम्हारी बीवी? मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं शाद बहुत हो चुकी है। आप जाइए।
आसिया ये तुम भी बैठ जाओ ना। कैसी बातें कर रहे हैं आप समीर, आसिया तो कब का नाश्ता कर चुकी होगी, आपने टाइम देखा 12 बज रहे हैं। मैंने नाश्ता कर लिया, आप लोग कर लीजिए। हेलो भाई, आप तो अपनी जबान के पक्के निकले समीर साहब, भाई शादी बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक्स भाई, आपने तो इस काबिल नहीं समझा कि हमें अपनी शादी पर इनवाइट करें, लेकिन हम तो आप दोनों को इनवाइट कर सकते हैं ना डिनर पर। जी नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। कौन था? कोई नहीं। क्या हुआ आनिया, तुमने फोन किया था? हाँ, मैं डॉक्टर के पास गई थी आज। डॉक्टर के पास गई थी? बताओ क्या कहा उसने, बताओ आनिया प्लीज। I'm expecting. Oh, thank God. Yes. तुमने आसिया को बताया? मैं अभी बता गया। मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं आनिया। क्या क्या ख्वाब थे तुम्हारे, सुपरस्टार बनना चाहती थी और अब शादी करके अपने ख्वाब को अधूरा छोड़ना चाहती है, वो भी जब मदर तुम्हारे इतने करीब खड़ी है। मैं कुछ समझी नहीं। देखो आनिया, एक्चुअली मुझे दुबई का एक बहुत बड़ा फाइनेंसर मिल गया है और हम लोग आपस में मिलकर एक बहुत बड़ी फिल्म बनाने के लिए जा रहे हैं जिसमें पाकिस्तान के साथ साथ इंडियन सुपरस्टार्स भी शामिल हैं। और तुम जानती हो पाकिस्तानी सुपरस्टार दिशान के साथ मैंने तुम्हारा नाम रिकमेंड किया है और मैं चाहता हूँ तुम ये फिल्म करो। तुम सोच भी नहीं सकती हानिया के इस कैरेक्टर के लिए यहाँ की जितनी सुपरस्टार्स हैं कितनी एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। देखो प्रोजेक्ट तो बहुत अच्छा है लेकिन मुझे एक बार समीर से। कम ऑन हानिया, क्या समीर से, तुम एक अदाकारा हो, फिल्म में काम करो या टीवी में, क्या फर्क पड़ता है। देखो मेरी बात को सोचो तो सही हानिया, इस कैरेक्टर को मुझे आज ही फाइनलाइज करना है। अगर तुम मना करती हो तो मुझे फिल्म स्टार नैयरा को लेना पड़ेगा। देखो हानिया, हो सकता है कि समीर तुम्हारी कामयाबी से बहुत खुश हो और ये भी तो हो सकता है कि तुम्हारी कामयाबी से उसे कोई भारतीय फिल्म का स्क्रिप्ट मिल जाए। क्या सोच रही हो? देखो ये चांस बार बार नहीं मिलता, लो और साइन करो। क्या सोच रही हो, कमाल, चलो। आनिया, ये मैं क्या सुन रहा हूं, अब तुम फिल्म करोगी वो भी उस घटिया आदमी के साथ? लगता है तुम सब कुछ भूल गई हो। उस आदमी ने हमें दूर करने के लिए क्या क्या हरबे इस्तेमाल नहीं किए। मैं तुम्हें ये फिल्म नहीं करने दूंगा, मैं बता रहा हूं। समीर, I've already signed the contract. What? तुमने मुझसे पूछे बगैर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया? तुम हर ड्रामा लिखने से पहले मुझसे पूछते हो। मैं तुम्हारा शौहर हूँ। तो तुम्हारे बीवी बनने से पहले मैं एक एक्ट्रेस हूँ और तरक्की करने का हक मेरा भी है और मुझे इससे कोई नहीं रोक सकता, तुम भी नहीं समीर। सुनो, मैं तुम्हें तरक्की करने से नहीं रोक रहा, तुम ये फिल्म हरगिज नहीं करोगी, ये मेरा आखिरी फैसला है, बस।
तुम सोई नहीं अभी तक? आप परेशान हो और मैं सो जाऊं, इससे पहले कभी ऐसा हुआ है? एक बात कहूं, जितना हो सके हानिया को खुश रखिए, क्योंकि माँ की टेंशन बच्चे पर असर करती है ना। तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन ना मैं जानती हूँ, मैं खुद हानिया से बात करूंगी। तुम बात करोगी? रात बहुत हो चुकी है, आराम कर लीजिए। क्या बात है, कहाँ जा रही हो? तुम्हें इससे मतलब? शायद तुम बुरा मान गई हो, मैं तो सिर्फ ये कहना चाहती थी कि देखो, तुम जैसा चाहोगी ना वैसा ही होगा। तुम फिल्म में काम करना चाहती हो ना? जरूर काम करोगी। मैं समीर को समझा दूंगी। ओ तो अब मुझे हर चीज के लिए आपसे अप्रूवल लेनी पड़ेगी। तुम क्या समझती हो कि मैं नहीं जानती? रात को समीर को कमरे में ले जाके उसके कान में क्या जहर उगला है मुझे सब मालूम है, कि सुबह वो मुझसे मिले बगैर ही चला गया। तुम गलत समझ रही हो। बस अपने काम से काम रखो। कहाँ से आ रही हो तुम? ये तुम मुझसे किस लहजे में बात कर रहे हो? मैं तो तुम्हें एक बहुत एजुकेटेड और सेंसिबल इंसान समझती थी, लेकिन तुम तो बहुत ही तकियानूसी इंसान निकले। शौहर हूँ मैं तुम्हारा। तो क्या करूँ, तावीज बनाकर गले में टांग लूँ या किसी न्यूज चैनल में सुबह शाम न्यूज चलाऊँ? अपनी बकवास बंद करो वरना। क्या कर लोगे तुम? हाँ कर क्या लोगे तुम? बताओ मैं क्या कर लूँ? बताओ मैं। हाथ उठाने की कोशिश की मुझ पे? तुम ठीक कहते थे, समीर बिल्कुल जानवर है जानवर। आज उसने मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश की। क्या क्या कह रही हो हानिया? मगर क्यों? उसने मुझसे सिर्फ औलाद के लिए शादी की है, उसे मुझसे नहीं सिर्फ आसिया से मोहब्बत है। औलाद? नो नो हानिया नो। देखो देखो मेरी बात गौर से सुनो, ऐसा बिल्कुल मत होने देना। तो फिर तुम ही बताओ इफ्तिखार, फिर मैं क्या करूं? हानिया हानिया डोंट यू वरी। समीर प्लीज क्यों परेशान हो रहे हैं?
कभी इतनी छोटी सी बात के लिए। छोटी सी बात? वो पूरी रात घर नहीं आई, ये छोटी सी बात है? ऊपर से उसका फोन भी बंद है। मुझे क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों मेरे बच्चे को कत्ल किया तुमने? बताओ मुझे! क्योंकि मुझे अपने करियर को बर्बाद नहीं करना था। करियर? पार में गया तुम्हारा करियर? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ऐसा करने की? तुमने जिसे मारा है ना, वो मेरा बच्चा था, मेरा खून था, जिसे तुम अपने हाथों से कत्ल करके आई हो। तुमने इतना बड़ा जुर्म किया, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। और तुम्हारा जुर्म? क्यों की थी तुमने मुझसे शादी? इसलिए कि मैं तुम्हें बच्चा पैदा करके दे सकूं, तुम्हारे लिए वारिस ला सकूं, और तुम मेरे हिस्से की सारी मोहब्बत, सारी टेंशन उस बंजर औरत को दे सकूं। बस! बस दिखा दी अपनी मर्दानगी। तुम जैसे घटिया मर्दों का यही आखिरी हदबा होता है कि औरतों पे हाथ उठा लो। तुम अब सारी जिंदगी औलाद के लिए तरसोगे। मैं अभी ये घर छोड़कर जा रही हूँ मैं। तो जाओ जाओ, रोका किसने? मुझे भी तुम जैसी खुदगर्ज औरत की कोई जरूरत नहीं है। चले जाओ यहाँ से, दबा जाओ। बात, मैं अब इस घर में एक सेकंड नहीं रुकना चाहती। देखो, मैं कभी मां नहीं बन सकती, लेकिन तुम तो बन सकती हो ना। हम एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहेंगे। आसिया, क्या हुआ आसिया? आंखें खोलो आसिया, क्या हुआ तुम्हें? आसिया, आंखें खोलो प्लीज। आसिया, आंखें खोलो आसिया। आसिया, हुआ क्या है तुम्हें? तुम नहीं जानती हो आसिया, मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मुझे कुछ नहीं होगा। जानती हो क्यों? क्यों? क्योंकि तुम्हारा प्यार हमेशा मेरी हिफाजत करता है। हानिया को फोन किया, नाम मत लो उसका। नफरत है मुझे उससे, जिसने मेरे बच्चे को मार दिया और फिर तुम्हारी भी जान लेने की कोशिश की। प्लीज आसिया, उसका नाम मेरे सामने मत लिया कर।
हानिया प्लीज, तुम अपने कीमती आंसू एक ऐसे आदमी के लिए बहा रही हो जो इस काबिल ही नहीं था। लो पानी पियो, शाबाश। मैंने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया और उसने आज मुझ पे हाथ उठाया, वो भी अपनी पहली बीवी के सामने। कमान, तुमने बहुत अच्छा फैसला किया जो वापिस अपने घर चली आई। बस एक फैसला और कर लो, आखिरी फैसला। आखिरी फैसला? हाँ, तुम उससे खुला ले लो। देखो, ये तुम्हारे अपने कैरियर, तुम्हारे अपने लिए बेहतर होगा। कमान, इसमें सोचने वाली क्या बात है? चलो, मैं तुम्हें अपने लीगल एडवाइजर से मिलवाता हूँ। चलो कमान, आ जाओ। ये मेडिसिन आपने 15 दिन तक देनी है, आज आप अपनी मिसेस को घर ले जा सकते हैं। मिस्टर समीर, हमने आपके मिसेस के चंद टेस्ट और करवाए थे, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, नाउ शी इज प्रेग्नेंट। क्या वो माँ बन सकती है? मगर डॉक्टर, आपने तो कहा था कि यस, वो भी सच था और ये भी सच है। अल्लाह जब चाहे नामुमकिन को मुमकिन बनाते, और उसने बना दिया। डॉक्टर, आप सोच नहीं सकती कि मैं कितना खुश हूँ। मैं ये खुशखबरी आसिया को बता के आता हूँ। श्योर, थैंक यू। इफ्तिखार साहब, ये सरासर जबान से फिरने वाली बात कर रहे हैं आप। तमाम रिस्क मैं लूँ, जाली कॉन्ट्रैक्ट मैं बनाऊँ, और मलाई आप खतरे हैं। पिछले 2 मिला के पूरे 3 लाख रुपए लेके जाऊंगा आज मैं। अच्छा, अगर ना दूं तो? फिर मैं भी देखता हूं आप कैसे ड्रामे बनाते हैं और कैसे लेके जाते हैं अपनी हीरोइनों को गैर मुल्की दौरों पे। एक और टेंशन। हाँ, इफ्तिखार बात कर रहा हूँ। ये इम्तियाज की जबान कुछ ज्यादा नहीं चलने लगी? तुम जानते हो ना मैं तुम्हें किस लिए पसंद करता हूं। काट दो। और हाँ, वो उसका साथी है ना? हाँ हाँ, उसको भी खामोश कर दो। तुम जानते हो मैं बिला वजह ये पुलिस के हिसाब किताब में नहीं फंसना चाहता। शाबाश। समीर, ये क्या? क्या है ये? हानिया के लॉयर ने हानिया की तरफ से खुला का पहला नोटिस भेजा है। क्या सोचा है आपने? वही जो वो चाहती है। समीर, ये तो खुदगर्जी होगी ना? आप एक बार हानिया से बात तो कर। सब कुछ खत्म। वो जिस तरक्की का ख्वाब देख रही है ना, मैं चाह रहा हूं कि वो उसकी सच्चाई भी जान ले तो अच्छा है।
हाँ शेख साहब, वो मेरे पैसे ट्रांसफर हो जाए बस। जी 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 बिल्कुल ठीक है, बाय शेख साहब। बस इफ्तिखार बेग साहब, इस तरह मेरे दफ्तर में आने का मतलब क्या? बदतमीजी है ये, आपके चेहरे से नकाब उतर चुका है। ड्रामे बनाने की आड़ में नौजवान लड़कियों को दुबई स्मगल करने वाला तुम्हारा पूरा ग्रुप अब हमारी हिरासत में है। अब तुम्हारी बारी है। ऑफिसर, ये तुमने कुछ अच्छा नहीं किया। वैसे पूछ सकता हूँ कि मेरे खिलाफ तुम्हारे पास क्या सबूत है? वो भी है, वो ये है कि तुम्हारे लिए जाली कॉन्टैक्ट बनाने वाला वो एजेंट जिसे तुम अपनी लिस्ट से खत्म कर चुके थे, अब वो हमारी हिरासत में है। यू आर अंडर अरेस्ट। बच्चा था मेरा, खून था।